मूवी देखी क्या? बिल्कुल, बताओ कौन सी। कोई भी जो आपको अच्छी लगे। चलो मैं चूज करता हूं, तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है, मरियम की कॉल है। अटेंड करो। मरियम कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो रही थी। आयशा, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? ओहो, सब पता चलने के बाद आयशा बहुत खुश होगी। सब खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। इससे पहले कि मैं इलेवन सर को बताती, उन्हें सब पता चल गया। उनकी नजरें मैं नहीं भुला सकती, उनकी नजरों में मेरे लिए मायूसी थी। क्या, ये कैसे हो गया? इलेवन सर उमर को कहीं लेकर गए, मुझे भी वहीं बुलाया। मेरे वहां पहुंचते ही उमर की अम्मी भी वहीं पर आ गई। उसने सब बता दिया इलेवन सर को और वो उमर को लेकर चले गए। ठीक है, पहले रिलैक्स हो जाओ तुम। अगर मुमकिन है तो घर से बाहर निकल जाओ और थोड़ी देर के लिए अकेली रहो। मिस्टर लेवन को भी सोचने का मौका दो, बाद में सब कुछ बताना, वो समझ जाएंगे। देखो पहले भी तुम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हुई थी, लेकिन सब ठीक हो गया। परेशान मत हो, कोई हल निकल आएगा। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं होगा। अब इस वक्त मुझे सिर्फ लेवन सर की वो नजरें याद है जिनसे वो मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आयशा बाद में बात करती हूँ मैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। क्या हुआ? नहीं उठाई कॉल। शायद वो आ गए हैं। लेवेंट कहां थे तुम? हमें परेशान कर दिया। मेरा बेटा। उमर को सुला लूं, फिर बात करते हैं। लेवेंट, मैं ले जाती हूं। उमर वो सो गया है। शुक्र है खुदा का, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो वापस आ गया है। लेवन सर, मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं, बहुत नाराज भी होंगे, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरा यकीन करें कि क्या आपसे बात कर सकता हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं। ये सब क्या है बेटी? लेवेंट मेरे बेटे, जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और ये भी जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो मरियम की बात तुम्हें सुननी चाहिए, उस बेचारी की मजबूरी थी। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, और बात करने के लिए बचा ही क्या है। अरे मेरी प्यारी बेटी, रो रो के तुमने अपना बुरा हाल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी गुलनाज आपा? लेवेंट सर मेरे झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा है। उमर से कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे, उससे भी झूठ बोला मैंने। वो दोनों कभी मुझे माफ नहीं करेंगे।
उसकी अम्मी उसे दूर ले जाएंगी, मैं क्या करूंगी? सब्र करो, वो उसकी माँ है, सिर्फ वो ये कहकर उमर को लेकर नहीं जा सकती। सब मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। माँ है वो उसकी, अगर उमर को यहाँ से दूर ले जाएंगी तो हम क्या कर सकते हैं? मैं उमर के पास जाती हूँ। जाओ। हो सकता है कि मेरे उसके साथ आखिरी लम्हे हो। जानती हूँ उमर को अपना बेटा मानते हो, मैं भी उसे इफी समझने लगी थी, ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन एक औरत आकर हमसे कहेगी वो उमर की माँ है, और मरियम भी यही समझती थी उमर एक यतीम बच्चा है, उमर उसका भाई नहीं है, यही सोचकर उसने हमें नहीं बताया, कहीं हम अलग ना करते। उसके हक में कुछ भी मत बोलिए अम्मी, वो शुरू से जानते बूझते हमसे झूठ बोलती रही है। मरियम को इस घर से जाना होगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक झूठे शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में और ना ही हमारी जिंदगियों में। लेवेंट, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। मानती हूँ मरियम ने हमसे ये सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बेटा वो हालात के हाथों मजबूर थी। लेवेंट प्लीज, उसे समझने की कोशिश करो, मुझे यकीन है उसने ये झूठ जाती बिना पर नहीं बोला होगा। अगर इस वक्त तुमने उसे घर से निकाल दिया तो सोचो उस बेचारी पे क्या गुजरेगी। मुझे परवाह नहीं, मैं ऐसे शख्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जिसने झूठ बोला हो। और बात जब उमर की आती है तो मुझसे माफी की तवक्को भी नहीं रखिएगा, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है लेवेंट बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ रही हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए झूठ मूठ बीमार बन गई थी और तुम गुस्से में आकर फौरन चले गए। मैं जानती थी मेरे झूठ पे तुम कैसे रिएक्ट करोगे, फिर भी झूठ बोला तुमसे। क्या जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें रोक सकूं। शायद मरियम भी यही सो। अम्मी रुक जाए प्लीज, मेरी हालत तो देखें। मैं सिर्फ उमर की मदद करना चाहता था। और उसने उसी के मामले में मुझसे झूठ बोला, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूं अम्मी? और वो भी जब मैं उसे खैर अब खत्म करें इस बहस को, बहुत हो गया, अब हमें जाकर उस औरत से बात करनी चाहिए अम्मी। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैं तुम्हें जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला था, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था, बहुत तकलीफ दी है मरियम, बहुत तकलीफ दी है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो,
मुझे माफ कर दे। मैं बस यही सोचती रही कि आपको ये बात कैसे बताऊं कि आपको कम तकलीफ हो। माफ कर दीजिए, माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। मैं यहां पर नहीं रुक सकती हूं इतना सब हो जाने के बाद, लेकिन मुझे फौरन यहां से जाने का मत कहें। उमर ने मुझे नहीं देखा और उसकी अम्मी उसे यहां से लेकर चली गई, तो मैं उसे कैसे मिल पाऊंगी? प्लीज मुझे यहां से मत भेजें। से बात करनी है। तुम फौरन यहां से नहीं जाओगी। क्या मैं नहीं जानता कि उमर उठने के बाद तुम्हें ना पाकर कितना उदास हो जाएगा? मुझे तुमसे ज्यादा उसकी परवाह है। परेशान मत हो, उमर को हर चीज तब बताएंगे जब सही वक्त आ जाएगा। उस वक्त तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम उसकी सगी बहन नहीं हो, ये उसे बताना होगा। उमर से किसी किस्म का झूठ नहीं बोलेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन हालात में वो परेशान ना हो। इस दौरान उसे ये पता ना चले कि हमारा ताल्लुक अब अच्छा नहीं है। उमर को यही लगना चाहिए कि मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है और मैं अब भी तुम पे उतना ही भरोसा करता हूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों को खुद से अलग नहीं करूंगा। तुम्हारे झूठ की इमारत पर मेरा सच कायम रहेगा। हर चीज खत्म होने के बाद भी उमर के लिए सब बर्दाश्त करूंगा। हमें उस औरत से बात करनी होगी। उसकी बात पर यकीन करके हम उमर को उसके हवाले नहीं कर सकते। मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। सब कुछ ठीक होने तक तुम उमर के पास रहोगी, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। लेवन भाई, शाबाश, बेहतरीन एक्टिंग की है। ताकिन की कॉल है। हेलो। बिल्कुल सब कुछ उम्दा रहा, सबने यकीन कर लिया। लेवेंट परेशान घूम रहा है। नूरगुल ने एक्टिंग ही इतनी बेहतरीन की, किसी को खबर ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है वो उमर के लिए इतनी परेशान है कि उसका बीपी लो हो गया है। चलो बाद में बात करती हूं। क्या हुआ कैप्टन, तुम क्यों उठ गए? पता नहीं। दरख के नीचे हमने आपका बहुत इंतजार किया।
लेकिन फिर हम पार्क चले गए। आप हमारे साथ क्यों नहीं चली? लेविन भाई पूरे रास्ते बहुत उदास थे, है ना? लेकिन जब मैंने जिद की तो मुझे समंदर पर ले गए। शाबाश शापा की जान, आपको अच्छा लगा? उमर, मुझे तुम्हारी आपस से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने कमरे में जाओ। ठीक है। आप, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मुझे कमरे में आकर कहानी सुनाएंगी? हाँ जरूर आपा की जान, आप अपने कमरे में जाएं और सोने की कोशिश करें, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है, चलें जाइए। पहले उमर को सोने दो, फिर उस औरत से बात करेंगे। ठीक है। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı, ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk sensizlik ölümdür. Ya Allah, Bahadur phone kyun nahi utha raha? Na jaane kahan hai, is waqt usko Levant ke saath hona chahiye tha. हमारी मेहमान अब बेहतर तो है ना? जी बेहतर है उल्विया साहिबा। शुक्र है अल्लाह का। गुलनास, हो सकता है इन्होंने खाना ना खाया हो। जी बिल्कुल, मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। शायद इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। जाहिर है, वो खाना कैसे खाएगी। आपको कुछ चाहिए उल्विया साहिबा? नहीं गुलनास, मैं तो बहादुर को कॉल कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ऐसा करो गुलनास, मेहमान के लिए सूप भी रख देना, हो सकता है थोड़ी देर में वो कुछ खा पी ले। जी ठीक है, बेहतर। चलो मैं भी अब चलती हूँ, क्योंकि लेविन भी नीचे आने वाला होगा। अरे असली, तुम कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। तुम्हें भी सैनमा जाने का आज का ही दिन मिला था। कॉल करके उससे पूछ लेती हूँ। खुदा जाने यहाँ क्या क्या होगा। उस औरत की तो हालत खराब ही होती जा रही है। फोन तो कभी नहीं उठाएगी, पता है ना, वापिस आने का कहूंगी। तोबा इसलिए तोबा। मैं इतना हैरान हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। मरियम लेवेंट को सब कुछ बताने के लिए इंतजार क्यों करती रही आखिर? यानी उमर की अम्मी के आने के बाद लेवेंट को सब कुछ बता देती तो हालात इस वक्त बहुत मुख्तलिफ होते। बहुत डर गई थी। मिस्टर लेवेंट को उमर की और उमर को मिस्टर लेवेंट की इतनी आदत हो गई है कि वो खुद इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाई। वो बस यही सोचती रही कि काश ये सब कुछ गलतफहमी के सिवा कुछ न हो। उसे खुद यकीन नहीं हुआ, और जब यकीन हो गया तो हिम्मत नहीं हुई उसकी। एक अकेली लड़की के लिए इतने मसले, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए हिम्मत नहीं कर पाई। अकेले उसके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, और बात सिर्फ मिस्टर लेवेंट की नहीं थी, मसला उमर का भी था। उसने किसी से झूठ नहीं बोला, बस सच को सामने लाने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। लेवेंट को झूठ से सख्त नफरत है, यानी लेवेंट इस वक्त यही सोच रहा होगा कि वो अब तक इससे झूठ बोलती रही है। लेवेंट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर झूठ नहीं। लेकिन मरियम ने झूठ नहीं बोला, वो बस उमर के दूर जाने से डरती थी, सब कुछ उमर के लिए किया। और वो मिस्टर लेवेंट को सब कुछ बताने की काफी दिन से कोशिश कर रही थी,
लेकिन हर बार बात बीच में ही रह जाती। ये सब कुछ आज ही के दिन होना था। उफ। वैसे आज के दिन क्या है? हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक झूठे शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में और ना ही हमारी जिंदगियों में। जमील, आप बता क्यों नहीं रहे? ऐसा क्यों कहा आज के दिन ही? यानी आज का दिन मिस्टर लेवेंट के लिए या घर वालों के लिए कुछ खास था क्या? या अल्लाह, मुंह से निकल गया। जमील, मुझे सब बताओ। लेवेंट मरियम को आज प्रपोज करने वाला था। क्या? हद हो गई है नूरगुल, कितनी देर लगाओगी? अब आ भी जाओ तुम। कब का उमर को यहाँ पे आ जाना चाहिए था? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए वहाँ। क्यों आपा, गड़बड़ क्यों होगी? हाँ, तुम्हें नहीं पता आपा, वो इतनी अच्छी एक्टर है, अगर किसी ड्रामे में आ जाए तो एक ही दिन में लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। तौबा तौबा, ताकिन भाई और तुम पर जादू कर दिया है, बस हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हो। उसे सर पर चढ़ा लिया, दुनिया में वही तो एक एक्ट्रेस है, लेकिन देखना वो तुम्हारे साथ क्या करती है। सच कह रहा हूँ आपा, वो बहुत अच्छी एक्टर है। गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पागल करने का इरादा है, बिलावजा गुस्सा दिला दिया। मुझे नहीं पता आपा, तुम उससे क्यों इतना जलती हो? हा? चुप कर जाओ दुर्मुश, मैं एक डंडा उठाकर ताकीन भाई और तुम्हें ऐसे मारूंगी जैसे उन्होंने दुकान को मारा था। चुप करो, मुझे पहले ही गुस्सा है। अच्छा तो ठीक है आपा, कुछ नहीं कहता, गुस्सा क्यों होती हो? वैसे क्या ताकिन वाकई दुकान को बेहोश करके चला गया था? हाय, काश तुम उस बच्चे की हालत देख लेते, उसका क्या हाल हुआ है, वो बस मरने ही वाला था। वैसे आपा, इसमें हमारे लिए भी सबक है, अगर हमने देखभाल के कदम ना उठाया तो हमारा भी यही हाल होगा। हाँ, फिर तो तुम्हें देखभाल कर ही कदम रखना चाहिए। अब मैंने क्या गलत कर दिया आपा? बहुत देर लगा दी है, दोबारा फोन करके पूछता हूँ। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं आपा, है ना? और कितना इंतजार करना होगा, मुझे अपने बेटे से मिलना है। परेशान ना हो, आते होंगे। उल्विया साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ गुलनाज, एक काम करो, तुम उमर के पास जाओ, अगर वो जाग गया तो कहीं वो डर ना जाए। जी ठीक है। मरियम, उमर सो रहा है, लेवेंट सर के आने के बाद बात करते हैं हम। लेवेंट अपने रूम में है, तुम जाके बुला लाओ बेटी। हाँ तो अब हम बात कर सकते हैं, बोलिए। देखिए,
यकीन कीजिए, मैं अपने बेटे को बस यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। नूरगुलाबा, मैं समझ सकता हूँ। बेटे की जुदाई में गुजारे हुए दिनों का गम मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उमर को ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तभी मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। आई थिंक लेविन सही कह रहा है, मतलब इतनी जल्दी हम लोग इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। नहीं, मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। नूरगुल, आपको पता है ना, उमर अभी सो रहा है, आप वैसे भी उससे नहीं मिल सकेंगी। नूरगुल साहिबा, देखिए, हम इस वक्त सदमे में हैं और सदमे के साथ साथ मामला एक बच्चे का है, इसलिए मुझे सोच समझ कर कदम उठाना होगा ताकि उसे तकलीफ न पहुंचे। आपको इंतजार करना होगा, यासिर आपको फिलहाल ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं कुछ दिन और इंतजार कर लूंगी। मैं छोड़ आती हूँ। लेविन सर, क्या हम प्लीज बात कर सकते हैं? मरियम की किस्मत को क्या कहूँ, मिस्टर लेविन राज उसे प्रपोज करने वाले थे और ये सब हो गया। उसे पता चल गया तो क्या होगा? या अल्लाह, लेविन बहुत उदास होगा। उमर को वो अपना बेटा समझता है, सिर्फ उसी की वजह से तो जिंदगी की तरफ लौटा है, कैसे रहेगा उससे अलग। अभी कॉल भी नहीं कर सकता, इस वक्त बात करूंगा तो उसके दुख को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं भी मरियम से बात नहीं कर रही। जमील, मिस्टर लेविन मरियम को प्रपोज करने वाले हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, सब यूं ही रहता। फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे बताना चाहिए था? हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी जमील। तो तुमने मुझे उमर की अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताया? ये भी तो एक बड़ी खबर थी। वो एक राज था। अच्छा, तो ये भी एक राज था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम दोनों को एक दूसरे से हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है? लेकिन बात जहां दूसरों की आती है तो राज रखना गलत नहीं है। और तुम भूल गई हो शायद, ये शादी असली नहीं है, बस एक खेल है। फिर उन बातों का क्या जो कुछ दिन पहले कही थी? कॉल पर किससे बात कर रही थी? एक घर में रहते हुए हमें सब बताना होगा। सच तो यह है कि मैं उस दिन मरियम का ही मसला छुपा रही थी। और हाँ, हमारी शादी एक ड्रामा है, मैं जानती हूँ, भूली नहीं हूँ, मैं भी एक्टिंग करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, शाबाश जमील, शाबाश। उससे तवक्कुआत रखकर मैं खुद नहीं करता, बार बार यही जताता हूँ कि शादी असली नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं यहां से चली जाऊंगी, उमर की जिंदगी का ये मामला हल होते ही। लेकिन मैं हर चीज के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूं सर। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको इतनी अहम बात किसी और से इस तरह से पता चली। आपको बताने की बहुत कोशिश की मैंने, आपको शुरू में ही सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। हर दफा बात बीच में ही रह जाती थी। आपको याद होगा, मैंने बहुत दफा आपसे कहा कि एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर नहीं बता पाई। क्या तुम मुझे यही बात बताना चाहती थी? वैसे तुम बात करना चाहती थी लेकिन फुर्सत नहीं मिली।
चाहो तो बात कर सकते हैं अब। मैं उमर को देखकर आती हूँ पहले। उसे भूख लगी होगी, खाना बना देती हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? जरूर। इकरार पहले मुझे ही करना पड़ेगा। मरियम बहुत ज्यादा शर्माती है शायद, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स आ गया है जिस पे भरोसा कर सकता हूं मैं, और जब कोई ऐसा मिल जाए तो सारी परेशानियां आरजी होती हैं। और तुम हो ना मेरे पास। उमर, तुमने मुझे दोबारा खुशी दी है, जानते हो? मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे नीचे किचन में जाना होगा, कुछ काम है वहां। बहुत दफा आपको सच बताना चाहा था मैंने, नहीं बता पाई। जब भी सच आपको बताने की हिम्मत जोड़ती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि डरती थी मैं। और मैं तो खुद ही हकीकत को कबूल नहीं कर पाई, तो आपको कैसे बताती, आपसे कैसे कहती मैं। उमर की अम्मी आ गई हैं, उसे ले जाना चाहती हैं। मैंने गलती की छुपाकर, कबूल करती हूं। हर चीज एक तरफ मरियम, उमर तुम्हारा सगा भाई नहीं है, ये तुमने हमें शुरू से क्यों नहीं बताया? आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, फिर मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी कह दूं। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि लोगों से झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। झूठ बोलकर तुम लोगों का कितना वक्त जाया करती हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवेंट, एक दिन ये सब कुछ सामने आ ही जाएगा, तुमने ये नहीं सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कसम उठाती हूँ। मैं तो आपको हर चीज की हकीकत बताना चाहती थी। बस बहुत हो गया। तुम्हारे झूठ और नहीं सुन सकता मैं। आपका हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, अब चलती हूँ मैं। चलो तो मेरे साथ ही घर चलो। नहीं, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? मेरा मतलब तुम्हें कहीं और जाना है यहाँ से? नहीं, इस वक्त कहाँ जाना है मुझे, घर ही जाऊंगी मैं भी, लेकिन अलग अलग जाना बेहतर रहेगा। वो क्यों? खाला का तो आपको पता ही है कि वो पुराने ख्याल की है, कहीं आपके साथ देखकर कोई गलत फहमी ना हो जाए उन्हें और मुझे डांट ही दे। गलत फहमी किस चीज की? मेरी खाला बहुत ड्रामे देखती हैं, कहीं वो यही ना समझने लगे कि घर की मुलाजमा घर के मालिक को जाल में फंसा रही है, और पता नहीं क्या क्या सोचेंगी वो, और शायद उसके बाद मुझ पर सख्ती भी करने लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर चाहो तो गुलनाज आपा से मैं खुद बात कर लूंगा, कह दूंगा मैंने कहा था साथ चलते हैं मूवी देखने। हाय बहादुर साहब, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके सामने तो एक्टिंग करेंगी समझने की, लेकिन बाद में बहुत डांटेंगी वो मुझे, और फिर वो अम्मी को बताएंगी और वो भी बहुत डांटेंगी मुझे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग कुछ गलत सोचे हमारे बारे में। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा करता हूँ, तुम्हें घर के आसपास कहीं ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ से तुम टैक्सी पर घर चली जाना। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मुझे पुराने दिन याद आ गए। मैं इसी तरह गर्लफ्रेंड के बाबा के डर से उसे घर से थोड़ा सा दूर ही ड्रॉप करता था। क्या वक्त था। वैसे हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, आपके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, फिल्म भी अच्छी थी, मजा आया यहाँ आकर। मुझे भी अच्छा लगा। मूवी की टिकट्स मुझे देने के लिए बहुत शुक्रिया, और वो टिकट्स खरीदे भी तुमने थे।
आपने एंजॉय किया मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगा। चले सर, में बहुत दर्द है। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? हाय मेरा सर, उफ, मैं तो मर जाऊंगी। आवाज तो थोड़ी कम करो। हाय धर्मुष, अभी तक नहीं आया क्या? दवाई लेने गया है कि बनाने गया है? इतनी रात हो गई है, इस वक्त दवाई ढूंढना मुश्किल है। हाँ, आ गया। अरे इस दवाई को ढूंढने के चक्कर में तो मेरा बुरा हाल हो गया है, पूरा जिस्म टूट रहा है मेरा। आपा तुम हटो सामने से। बहुत बड़ा काम था, बस दवाई तो लेने गए थे। अरे आपा, कम से कम उस बिचारी को दवाई तो सुकून से लेने दे, अपना मुंह बंद करे। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी से दवा दो मुझे। ये लो, ये खा लो, इससे तबीयत बेहतर होगी। अच्छा, सारा दिन एक्टिंग कर करके मेरा सर दुख रहा है, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं, मरने वाली हूँ मैं। थोड़ा सबर से काम लो, देखना तुम उमर को जल्दी यहाँ ले आओगी और फिर हम सबके मजे हो जाएंगे। तुमने तो कहा था कि आज ये मामला खत्म हो जाएगा, ये बच्चा तो नहीं लाई, न जाने क्या करके आई है। तुम्हें इतना ही आसान लगता है तो जाकर खुद ले आओ। एक तरफ लेविन की माँ थी तो दूसरी तरफ लेविन था, मुझे बच्चा लाने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर से उस मरियम का हर वक्त करो ना, अगर मैं ज्यादा जिद करती तो उन्हें शक हो जाता। इसकी बात भी बिल्कुल ठीक है आपा, देखिएगा जल्दी सब ठीक हो जाएगा, बिना वजह लड़ने की जरूरत नहीं है, हा? पता तो है कि हम सबका मकसद एक ही है। अम्मी जान, मुझे नहीं मालूम था घर में सूरत हाल इतनी खराब है। आई एम रियली सॉरी। बेटा तुम थे कहाँ? खाला का तो आपको पता ही है कि वो पुराने ख्यालात की हैं। कहीं आपके साथ देखकर कोई गलत फहमी ना हो जाए उन्हें और मुझे डांट ही दें। मूवी देखने गया था अम्मी, मूवी देखने से पहले फोन साइलेंट कर दिया था और उसे साइलेंट से हटाना भूल गया। बहादुर, मैं लेविंट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा घर छोड़ के चला जाए। अम्मी जान ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरा मतलब उस बच्चे को यहाँ से लेकर जाना इतना आसान तो नहीं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सही कहा, आखिर एक दिन उसको जाना तो है, लेकिन लेविंट क्या करेगा? मैं अपने भाई को इस बार कहीं नहीं जाने दूंगा, बस आप परेशान मत हो। वैसे मरियम कैसी है? कैसी होगी, परेशान है, जब से आई है सिर्फ रो ही रही है। मुश्किल तो तब होगी जब उमर यहां से जाएगा। ठीक कहा, उमर की जुदाई का दर्द। अब मेरा प्लान कामयाब होने को है और अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अगर कोई चाहेगा तो वो मरियम है, वहीं जहां से वो आई थी, और लेवेंट मेरा हो जाएगा, उस पे मेरे सिवा किसी का हक नहीं। अब उसे मेरी कदर पता चलेगी। Thank you.
हूँ।